पहले जितने कॉस्ट में जितने टेस्टिंग हो रहे थे अब उतने ही कॉस्ट में ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग इससे इस मेथड से किया जा सकता है। बहुत ही स्टार्टिंग ऑफ इन्फेक्शन के टाइम पे भी हमारी किट बिल्कुल सही तरीके से आपको टेस्ट करके बता सकती है कि क्या आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। केवल एक ही सिग्नेचर के बेसिस पे हम इसको पता कर सकते हैं कि ये कोरोना है कि नहीं। इसका मतलब कि जो सिग्नेचर्स हम यूज कर रहे हैं इस किट के अंदर कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वायरस के अंदर मौजूद है और बाकी किसी वायरस में मौजूद नहीं है। तीन तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं, आरटीपीसीआर बेस्ड, एंटीजन बेस्ड और एंटीबॉडी बेस्ड। आरटीपीसीआर बेस्ड मेथड्स जो कि हमारा भी किट है, वो अगर आज इन्फेक्शन हुआ है तो डे टू डे थ्री तक आते आते वो एक पेशेंट को टेस्ट कर सकता है। जो एंटीजन बेस्ड टेस्ट हैं उनको 4 से 5 दिन लगते हैं और जो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होते हैं उनको कम से कम जो है 8 से 10 दिन के बाद ही जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। प्रोब फ्री होने की वजह से हमारे लिए इसके रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, इसको इन हाउस सोर्स करना ज्यादा आसान है और इसकी वजह से कि ये प्रोब बेस्ड नहीं है इसलिए इसकी कॉस्ट काफी कम हो जाती है। मैंने और मेरे दोस्त आशुतोष ने मिलके हमने एक पहले सिग्नेचर रीजन को आइडेंटिफाई किया कोरोना वायरस में जो कि और कहीं किसी भी और वायरस में मैं नहीं मिलता। ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो भी किट ऑफ डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म में उसकी इंटीग्रिटी बने रहे तो उसके लिए हमें कुछ इनसिलिको एनालिसिस भी करना था जिसमें कि मेरा और अखिलेश का एक बड़ा रोल रहा और उसमें हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि वायरस के पूरे जीनोम में ऐसे रीजन्स को ही हम लोग आइडेंटिफाई करें जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। आज आप देख सकते हैं कि दूसरे जितने भी मार्केट में प्रोब बेस्ड मेथड्स अवेलेबल हैं उन्हें मल्टीपल जीन्स पर स्क्रीनिंग करना पड़ रहा है रीजन उसका है स्पेसिफिसिटी को इन्हांस करने के लिए, लेकिन हमारे मेथड का सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट ये है कि हम सिंगल जीन को ही पकड़ रहे हैं लेकिन क्योंकि हमने उसके पीछे एक साइंटिफिक हमने उस पर पीछे काफ़ी रिसर्च किया कि वो रीजन जो है वो थर्मोडायनेमिकली कैसे कितना स्टेबल है और लॉन्ग टर्म में वो कितना म्यूटेट होगा जिससे कि हमारे किट की स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े। जब हमने पहली बार इस किट को ICMR में वैलिडेशन के लिए भेजा उस दौरान हमारी किट फेल हो गई थी, उस दौरान ये किट पास नहीं हो पाई। उस फेलियर आया तो हमारी किट ने बैठ के जब मंथन किया आपस में हमने विचार विमर्श किया तो हमने बहुत सारी ऐसी उसमें चीजें एड ऑन करने की सोची और कुछ चीजें हटाने की सोची कि जिससे हम इस टेस्ट को हर तरीके से 100% बना सके। इसके लिए हमें सही मायने में जो कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन थे जो व्यक्ति थे उनके सैंपल की जरूरत थी। हमने उस दौरान ICMR से इसके लिए अनुरोध किया, ICMR ने हमें ये बताया कि ये सैंपल्स हमको नहीं दिए जा सकते ये सिक्योरिटी कारण की वजह से और वो सही भी था, कुछ नहीं पता था कि कैसे वो आगे कंटामिनेशन और कर सकता था। तो हमने कृत्रिम तरीके से इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन करके DNA से RNA बनाया, उसके बाद हमने इस RNA से आगे फिर अपना टेस्ट लगाया, अपनी किट को टेस्ट किया, उस दौरान हमको ये रिजल्ट पूरे 100% मिले। क्योंकि ये रिजल्ट्स जो थे लैब में थे, अब हमको इसको सैंपल्स पे रियल टाइम पेशेंट्स पे टेस्ट करना था, तो हमने जब ICMR में भेजा तो हमारी वहां पे ये जो किट अप्रूव हुई। IIT ने इसको बहुत जोर शोर से पूरा दमखम लगा के इंडस्ट्रीज, अच्छी बात ये थी कि इस दौरान बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स थे वो हमारे पास आए इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए और हमने ये टेक्नोलॉजी नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस के तौर पे 10 कंपनियों को दी। नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस देने का कारण ये था कि हम इसका जो प्राइस था वो कम रखना चाहते थे, हमको बहुत बड़ी बड़ी देश की बहुत बड़ी कंपनियों ने बोला कि हमें आप एक्सक्लूसिव लाइसेंस पे दे दीजिए, हमने उसके लिए मना किया। IIT की सोच ये थी कि जितनी ज़्यादा कंपनियां होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उतनी जल्दी हम इस किट को मार्केट में ला सकते हैं।